पिछले 2 महीने, 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को, 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी प्रातः काल मौसम बहुत सुहावना है, इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्ज्वल
भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया की विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके, जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए, भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया हमारा जी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बावजूद इससे कि कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है, प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें
आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सबका भविष्य है, युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो चार जातियां देश के अंदर कही, उन्होंने कहा देश के अंदर केवल चार ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन चार वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया। धन्यवाद। आईएनडीआई जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है, रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत करेंगे। ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि चार के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौच कम हो। महाराज जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि वोटर जो है सतर्क रहे, धांधली का आरोप लगाया। देखिए, दोषारोपण किसी पे तो करना ही है, जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले, तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे वो, यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं, अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माखोल मत उड़ाओ, यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है, ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं, और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, बड़ी हास्यास्पद बात होती है। चुनाव निष्पक्ष हैं, भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है, और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है, दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को सागृद वाले लोग, इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य सुचितापूर्ण तरीके से हो जाए, ये बहुत हास्यास्पद।